ऑब्वियसली वियतनाम हमारे से बहुत हाई रैंकिंग में है, 34 रैंकिंग में. तो ये नहीं है कि वो लोग हाईएस्ट रैंकिंग है तो हम लोग उन लोगों को हरा नहीं सकते. तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम से हम लोग मेहनत करके आ रहे हैं. तो मेरे को लगता है कि जो यंग बच्चे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हर रीजन पॉजिटिव होना चाहिए. आशा जी मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मैसेज कह रहे हैं मुझसे, तो मुझे इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं. उसको पता है कि क्या करना है, क्या वो मुझे क्या करना है, उससे क्या करना है. तो अपना अपना जॉब पता है और उसको कैसे गाइड करना है, टीम को कैसे गाइड करना है, कैसे बात करना है. आशा जी ऐसा है कि आराम आराम से बोल के सबको समझाती कि ये तो मुझे अच्छा लगता है आशा जी के साथ ऐसा काम करने में. इन लोगों के साथ जो क्या बोलते हैं, जीतने का वो हंगर है ना, गोल मारने का और जीतना है. वो लोग ऑब्वियसली कोई हारना पसंद नहीं करते, बट ये यंगस्टर बिल्कुल हारना पसंद नहीं है. तो इसलिए कुछ भी करके वो लोग लड़ने के लिए, मतलब विदाउट बॉल में भी, विद बॉल में भी, हर चीज़ में लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ काम करना, उन लोगों के साथ खेलने में.